बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्राज सिमशरफ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जिस सोसाइटी का हम विज़िट करने लगे हैं वो है लेक सिटी का M8 ब्लॉक, जिसकी पोजेशन के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम से वेट कर रहे हैं। तो आज इसका विज़िट करते हैं और इसकी डेवलपमेंट का स्टेटस देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा रोड है जो कि M5 से निकलता है, और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अभी भी फसलें लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि ये जगह इनके पास नहीं है। तो ये रोड की आप इन्होंने गो के इन्होंने बाउंड्री वॉल कर दी है, लेकिन आप रोड देख सकते हैं ये 20 फुट या 20 फुट से भी कम का रोड है। अगर इसमें दो गाड़ियाँ आमने सामने आती जाती हो तो ये गुजर नहीं सकती। अब इन्होंने वॉल कर दिए तो इसका मतलब है ये अपनी तरफ इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और इस तरफ फसलें हैं। ये इनका गेट बन रहा है उसके लिए, मेट के लिए काफ़ी देर से बन रहा है, लेकिन चलें स्टार्ट हो गया तो बन भी जाएगा। तो ये M8 का विज़िट था करीबन एक साल के बाद। तो एक साल के बाद जो चेंजेस नज़र आई हैं वो यही है कि ग्रीनरी जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। ये ग्रीनरी मतलब के जैसे टिपिकल लेक सिटी का एक लुक होती है, जिस तरह के उसके दूसरे ब्लॉकों की भी है, उस तरह की लुक तकरीबन आना स्टार्ट हो गई है। और इसकी जो है बाउंड्री वॉल वो तो फ्रंट पे जो आपको मैंने दिखाई है, लेफ़्ट साइड पे मेरे सारा वो 5 मरला चल रहा था। ये इनका मेन बुलीवर्ड है, इस मेन बुलीवर्ड जो है वो 150 फुट चौड़ा। तो लेफ़्ट साइड में सारा जो है वो 5 मरला का ब्लॉक चलता है, B1 B2, और राइट साइड पे सारा जो है वो 7 मरले का ब्लॉक चलता है। 7 मरला में A1 और A2 के नाम से जो है ना जाना जाता है। तो हम कोशिश किए कि डेड एंड तक जाया जाए और देखा जाए कि वहाँ पे आखिर में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि उसके आगे जो है वो अभी भी फसलें लगी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जगह इनके पास मौजूद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने एक पार्क जो है वो 7 मरला वाली जो है सेक्टर, उसमें डेवलप कर दिया। तकरीबन ग्रीन बेल्ट ही रह गई है, ये जो आप पार्क देख सकते हैं, तो वो समझें तकरीबन जो है वो रेडी है। एक पार्क जो है वो यहाँ पे होना है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है इनकी मशीनरी लगी हुई है। तो जब ये काम शाम ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कब ख़त्म होगा, या तो या वो जानते हैं या ऊपर वाला जानता है, तो उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे भी शायद वो पार्क डेवलप करते हैं। खैर, अगर मैप में तो करना तो पड़ेगा। तो ये है कि अब समझ से बाहर है कि इसको इतनी देर हो गई है, लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने घर बनाने हैं, जिन्होंने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनको पोजेशन जो है वो क्यों नहीं दे रहे। तो पोजेशन जो है वो मिलेगी तो लोगों को जो है ना कुछ रिलीफ मिलेगी। अब देखें कब तक मिलती है। ये मेन के पास एक जगह है जहाँ पे इन्होंने खुदाई स्टार्ट की हुई है। मैप के अंदर तो ये जो था ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, ग्रिड स्टेशन, उसकी जगह शो हो रही थी। बाद में सुनने में आया था कि उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये मैंने देखा है कि यहाँ पर ये खुदाई वगैरह हो रही है। तो गॉड नोस के ये वही ग्रिड स्टेशन है या आगे कुछ और है। तो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी काफ़ी देर से हो रही है। इश्यू जो है वो सिर्फ उसका पोजेशन का है, और रास्ता आपने देख लिया कि रास्ता भी इसको इतना ख़ास नहीं है वो जहाँ से इसकी एंट्री है। तो बाकी देखें क्या